दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला काफी हाई वोल्टेज और रोमांचक रहा। तो बताएंगे इस बड़े मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो और आखिरी ओवर तक कौन सी टीम ने इस बड़े मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, और टीम इंडिया की ओर से कैसे रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बाद में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कैसे कमबैक किया। तो इस वीडियो में आपको इसी मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे और आखिरी ओवर तक कौन सी टीम ने इस बड़े मुकाबले को जीत लिया है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली तीसरे ओवर में एक छक्का मारकर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। उसके बाद में ऋषभ पंत आए, लेकिन ऋषभ पंत की पारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया 40 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की पारी को संभाला, जहां रोहित शर्मा एक बार फिर से काफी अग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात कर दी और टीम इंडिया का स्कोर 80 के पार हो चुका था। इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी और टीम इंडिया अपना स्कोर 100 के पार कर चुकी थी। इसी दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन अर्धशतक के तुरंत बाद रोहित शर्मा 39 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 47 रन की पारी के लिए इनकी पारी में भी 4 चौके और 2 शानदार छक्के देखने को मिले। रोहित और सूर्य के जाने के बाद शिवम दुबे भी जल्दी आउट हो गए। टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर 23 रन की पारी के लिए जिनकी पारी में 2 शानदार छक्के देखने को मिले। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 9 गेंदों पर 17 रन की पारी के लिए, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बना दिया और इंग्लैंड को यह बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 172 रन का टारगेट दे दिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोश बटलर और फिल शार्ट दोनों आए। कप्तान जोश बटलर ने आते कुछ अग्रेसिव अंदाज में शॉट लगाए और एक के बाद एक 4 शानदार चौके जड़ दिए और इंग्लैंड के स्कोर तेजी से आगे की बढ़ाने का प्रयास किया। तभी रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया और अक्षर पटेल ने जोश बटलर को आउट कर दिया। उसके अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिल शॉट को क्लीन बोल्ड कर दिया। टीम इंडिया को शुरुआती 2 झटके जल्दी मिल चुके थे, लेकिन जैसे जोनी बैरिस्टो बल्लेबाजी करने आए और बिना खाता खोले अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। देखते देखते इंग्लैंड की आधी पारी 50 के नीचे के स्कोर पर ही जा चुकी थी और इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से डैशमैश हो चुका था। टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, क्योंकि अपना इंग्लैंड 6ठा विकेट भी 68 के स्कोर पर गंवा चुकी थी। जब इंग्लैंड पूरी तरह से डैशमैश होती हुई नजर आ रही थी, जब सैम करन भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हैरी ब्रुक और लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ मिलाकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और इन दोनों के बीच 20 रन की साझेदारी देखी गई। लेकिन उसके बाद में काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रुक को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। देखते देखते इंग्लैंड की पूरी पारी 103 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर एक काफी शानदार जीत प्राप्त करते हुए वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट उखाड़े तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 शानदार विकेट उखाड़े, जिसकी बदौलत टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि टीम इंडिया 29 जून को होने वाले फाइनल मुकाबले में अफ्रीका को हरा कर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगा। दोस्तों, टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगा नहीं जीतेगा, कमेंट सेक्शन में यस और नो का आंसर जरूर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सारे अपडेट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते रहे।